दाईहात्सु की हाईजेट कार्गो और वो भी टेक में। और इसकी मैं हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा कि ये कार क्यों बनाई गई है इस तरह की शेप में। पाकिस्तान में भी आप बेशक यहाँ पे दो सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े कर सकते हैं 660 सीसी में। ये फुल शेप आप देख सकते हैं अभी। मुझे लगता है ये कार बहुत कामयाब होगी। स्लाइड डोर इजिली ओपन हो जाते हैं, नीचे तक चली जाती है, तो इससे क्या होता है कि ये जगह होगी स्ट्रेट और आपका सामान जो सा है वो इतना ज्यादा यहाँ पे आ सकता है। नाम इसका बहुत लंबा है, हाईजेट कार्गो टेक वैन। अस्सलामुअलैकुम नाज़िम, मैं हूँ उमर। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम है। आज मैं आया हूँ ऑक्शन में गाड़ियों के दरमियान। आज मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊंगा, बड़ी काम आने वाली गाड़ी है, जो खासतौर पर कारोबार करते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन गाड़ी होगी, शायद कुछ लोगों को तो बिल्कुल उनकी पॉइंट की गाड़ी होगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो गाड़ी है, मैं आपको पहले पीछे से दिखाता हूँ क्योंकि पीछे से यूनिक है। ये है वो कार जो आज मैं आपको दिखाऊंगा, दाईहात्सु की हाईजेट कार्गो और वो भी टेक में। ये देखें इसका डेक, तो देखना शुरू करते हैं इस कार को। मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी जापान की आज के ऑक्शन की प्राइस भी बताऊंगा, तो मेरी वीडियो जरूर आप एंड तक देखें। तो नाज़रीन ये है दाईहात्सु की हाईजेट कार्गो डेक वैन, तो आपके सामने है, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। आगे से भी इसकी शेप आगे से बहुत खूबसूरत है। ये है इसकी हेडलाइट, फॉग लैम्प, तो 660 सीसी की ये गाड़ी है और बड़ी ही काम आने वाली गाड़ी है। और इसकी मैं हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा कि ये कार क्यों बनाई गई है इस तरह की शेप में। 12 इंच के इसके टायर हैं, तो ये फ्रंट स्क्रीन पे यहाँ पे दो कैमरे भी आते हैं, तो आजकल जो सा है जापान में भी इनकी फ्रंट स्क्रीन अगर आप चेंज करवाएं, कोई पत्थर वगैरह आके अगर स्क्रीन पे लगता है और स्क्रीन टूट जाती है, तो इसकी स्क्रीन वगैरह चेंज करवाने में काफ़ी ख़र्चा होता है। आमतौर पे पहले सिर्फ ग्लास होता था, लेकिन ग्लास नहीं, अब इसके अंदर इसके फ्रंट ग्लास के अंदर कैमरे वगैरह भी फिट होना शुरू हो गए, जो इसका रिपेयर वगैरह भी है काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया अब। तो ये है इसकी फ्रंट की शेप, तो इसका कलर भी बड़ा प्यारा है। इसके कलर का नाम है फाइन मिंट, तो मिंट का मतलब यानी थोड़ा सा ग्रीन सा है। ये देखें शायद वीडियो में क्लियर ना पता चले, ये है ब्लू कार और ये है फाइन मिंट, तो इस तरह देखने में पता चलता है कि ये कार जो से थोड़ी सी ग्रीन कलर की है, इससे पता चलता है। तो ये है इसकी साइड से लुक, हाईजेट, तो इसमें जो से है चार लोग आराम से बैठ सकते हैं, इसमें चार लोगों की जगह है। अगर ये सुजुकी कैरी वगैरह होती तो इसमें सिर्फ दो लोगों की जगह होनी थी, लेकिन इसमें चार। अंदर से जो से मैं आपको चलने बाद में दिखाता हूँ, अब बाहर से इसकी लुक देख लेते हैं। और ये है इसकी यूनिक शेप जो बैक से है, ये देखिए हाईजेट कार्गो डेक वैन। ये स्पेस बनाने का रीज़न ये है, दाईहात्सु वालों को, एक बहुत बड़ी कंपनी है जापान की, इलेक्ट्रिक कंपनी थी, उसने कहा था कि ऐसी गाड़ी बनाई जाए जिसके अंदर फ्रिज जो सा खड़ा होकर आ सके और पैसेंजर भी उसके अंदर चार आ जाएँ। इसलिए दाईहात्सु वाले ने स्पेशल ये कार जो सी है इलेक्ट्रिक वालों के लिए बनाई थी, जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। यहाँ पे फ्रिज देखें खड़ा होकर पूरा आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए हो, बहुत सारी जगह पे ये काम आ सकती है। तो पाकिस्तान में भी आप बेशक यहाँ पे दो सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े कर सकते हैं 660 सीसी में, शायद अच्छा ना भी लगे, लेकिन बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। आप ख़ुद मुझे बताएं, बल्कि आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये कार किस तरह की जगह पे यूज़ हो सकती है, क्या क्या इसका इस्तेमाल करने के तरीके हो सकते हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं। ये देखें बैक पे इसके देखें दो सेंसर भी हैं, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे सेंसर इसका, तो इसको खोल के भी देखते हैं। ये देखें तो यहाँ पे काफ़ी सामान की जगह है, जो सामान ऐसा सामान जो लंबा हो और गाड़ी के अंदर ना रखा जा सके वो यहाँ पे आप रख सकते हैं, और अच्छी खासी खुली स्पेस है। साइड से भी आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी स्पेस है, तो ये भी नहीं कि तंग है, काफ़ी जगह यहाँ पे सामान काफ़ी आ सकता है। इसको अभी बंद कर देते हैं, और इसके दरवाजे का भी इतना ज़्यादा वेट नहीं, आराम से आप इसे बंद कर सकते हैं। तो देखिए ये है इसकी बैक से शेप, ये फुल शेप आप देख सकते हैं अभी।
तो कुछ लोगों को अजीब से लग रही होगी, ना ये कैरी है ना ये वैन है, उसका दरमियान है, तो यूनिक शेप है इसकी। लेकिन ऐसे ऐसे आप देखेंगे यही आपको रोड के ऊपर नज़र आया करेंगी। मुझे लगता है ये कार बहुत कामयाब होगी, तो आप इसे देखते हैं अंदर से। ये है इसकी लुक अंदर से। ये पुश स्टार्ट नहीं है, इसकी चाबी है और चाबी भी बहुत सिंपल है। देखें सिर्फ दो बटन है इसके ऊपर, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये है इसका मीटर। तो यहाँ पे जो से ड्रिंक रखने की जगह है, यहाँ पे देखें आप वुड स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे भी वुड इस्तेमाल किया हुआ है। थोड़ी सी इसे लग्जरी लुक देने की थोड़ी सी कोशिश की गई है। तो ये देखें यहाँ पे भी वुड वगैरह का स्टिकर, मुझे लग रहा है कि ये स्टिकर है। इस तरह का एक्सपेंसिव वुड नहीं है जिस तरह की लग्जरी कार में होता है, उस तरह का नहीं है। थोड़ा सस्ता वाला वुड इसमें इस्तेमाल किया गया हुआ है। और यहाँ पे ट्रे है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। फिर यहाँ से देखें एसी कंट्रोल होता है। ये भी यकीनन सिंपल है क्योंकि एक लग्जरी कार नहीं, ये तो काम में इस्तेमाल होने वाली कार है और फैमिली के लिए भी अच्छी है। बैक सीट भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसकी कि उधर कितनी स्पेस है। फिर यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे सॉकेट बनी हुई है, यहाँ पे 1 kg तक आप कोई शॉपर वगैरह लटका सकते हैं। फिर यहाँ पे भी सामान की जगह है। अच्छा, ये था इसका स्टेयरिंग जिसके ऊपर कोई बटन वगैरह नहीं, सिंपल है लेकिन स्मार्ट सी इसकी शेप है। छोटा सा स्टेयरिंग है, होल्ड करने में भी आसान है। यहाँ पे बटन दिए गए हैं, देखिए जो मिरर है ये ऑटोमेटिक है। ऊपर भी इसके यहाँ पे सामान रखने की जगह है। फिर यहाँ पे लाइट नहीं है और यहाँ पे मिरर भी नहीं है। तो ये है इसकी शेप जो कि थोड़ी यूनिक सी शेप दी है यहाँ पे। तो नाज़रीन अब इसकी देखते हैं ऑक्शन शीट। आज की जो इसकी ऑक्शन की प्राइस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बता दूं, ये है 2021 का मॉडल, अगस्त का, यानी ये 2 महीने पहले का मॉडल है। और हाईजेट कार्गो डेक वैन GSA3 इसका ग्रेड है और 660cc है, पेट्रोल में है, 3BD-S321W। ऑक्शन में से S मिला है, A है, यानी बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। चली जो सी है सिर्फ देखें 10 किलोमीटर सिर्फ चली हुई है, यानी चल के सिर्फ ऑक्शन तक आई है। इसमें डैमेज वगैरह स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है। देखें ऑक्शन शीट के ऊपर क्लियर है कि कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें ऑडियो नहीं लगा हुआ, ऑडियो पहले से उतारा गया हुआ है इसके अंदर। और LED हेडलैम्प है, फॉग लैम्प है, LED इल्यूमिनेशन है। इंटीरियर पैनल जो ये वुड में है, ये देखें इंटीरियर पैनल जो से इसके वुड में है। कलर पैक वगैरह कीलेस इसके अंदर है। तो 4 पैसेंजर के लिए कार है। तो इसकी सीट्स वगैरह देखते हैं इसके अंदर कितनी जगह है, बैक सीट के अंदर कितनी जगह है। पहले मैं आपको इसकी कुछ सीट्स भी दिखा दूँ। फ्रंट की सीट है ये जो पैसेंजर सीट है। अच्छा, दरमियान में यहाँ पे भी छोटी सी जगह बनाई गई है, ये इसकी हैंड ब्रेक। तो ये है इसकी नाज़रीन बैक सीट। तो यहाँ पे देखें जो हेडरेस्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। और अभी बैठ के मैं देखता हूँ इसके अंदर, तो ये देखिए जो इसके अंदर जगह है ठीक है, 2 बंदों के लिए ठीक है। 3 बंदे जब आएंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये स्पेस आपके सामने है और जो बंदा बैठता है वो थोड़ा ऊपर होके बैठता है, यानी ये सीट काफ़ी नीचे है। इसकी जो हाइट है वो बहुत कम है। जो इसकी सीट है फोल्ड हो जाती है, लेकिन इस साइड से नहीं, वो दूसरी साइड से फोल्ड होगी, इस तरफ से फोल्ड नहीं होती। थोड़ी सी इसकी खामी है कि आमतौर पर ड्राइवर साइड से जो सी सीट जो सी डाउन होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से नहीं, ये जो सी है दूसरी साइड से। और इसके आपने देखा डोर जो से स्लाइड डोर है, तो स्लाइड डोर ईजिली ओपन हो जाते हैं, खुला इसका स्लाइड डोर है। और डाउन जो सा है देखिए यहाँ से होती है सीट, तो इसको हम डाउन करते हैं। पहले इसको करना है पुल, तो ये होगी डाउन। फिर उसके बाद इसको ये देखिए यहाँ तक फैल जाती है। फिर उसके बाद ये सीट ये देखिए नीचे तक चल जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये जगह होगी स्ट्रेट और आपका सामान जो सा है वो इतना ज़्यादा यहाँ पर आ सकता है। लाजमी नहीं कि आप पैसेंजर यहाँ पे बिठाएं, अगर कोई ऐसा सामान है जो गीला हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक का सामान है, कोई ज़रूरी चीज़ है जो आप गीला नहीं करने चाहते बारिश वगैरह में, तो आप इसके अंदर भी रख सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है इस कार का। तो इसके बोनेट के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या है।
तो नाजिन ये थी हाईजेट कार्गो डेक वैन, नाम इसका बहुत लंबा है, हाईजेट कार्गो डेक वैन। तो ये थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अभी चलते हैं ऑक्शन की तरफ और देखते हैं इसकी जापान में आज की प्राइस कितनी है। तो चलें फिर ऑक्शन की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्राइस। तो नाज़रीन आज के ऑक्शन में ये कार सेलर ने सेल नहीं की, लेकिन यही कार एक महीने पहले किसी और एरिया के ऑक्शन में थी और ये कार 137 की ये सेल हुई थी। तो इसकी जापान की टोटल प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो बनती है 153,1710। और इसको अब मैं US डॉलर में, पाकिस्तान रुपी में और इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया है, तो आप देख सकते हैं ये कार जापान में कितने की है, या आप अपनी मुल्क की करेंसी में देख सकते हैं। तो नाज़रीन ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप तक और अच्छी से अच्छी गाड़ियों की और जापान की जो सी इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इतना ही था आज के लिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।